योगदान है और हम उसी योगदान को आगे भी बढ़ता देख रहे हैं। तो पूरी गर्मजोशी से स्वागत है नूर जहीर जी का, जो आपसे आदाब, लाल सलाम, शुक्रिया बहुत। सबसे पहले तो मुझे इस कड़ी में जोड़ने के लिए, मैं इप्टा बिहार की बहुत आभारी हूँ कि मुझे चुना उन लोगों ने। और इप्टा की तो खैर पूरी उम्र ही एक तरह से इप्टा और प्रगतिशील लेखक आंदोलन के साथ गुजरी, और जन्म से देखा, उनसे तो आभार हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी बने हैं, वो उस विचारधारा की वजह से बने हैं। मैं अपनी तरफ से कोई अपनी आपबीती या मैंने किस किस से सीखा, क्या क्या सीखा, वो शामिल नहीं करूंगी अपनी बातचीत में, क्योंकि हर बार ही जब नया नाटक खेला या उसमें काम किया या अनुवाद किया तो कुछ ना कुछ सीखा। साथ में अभिनय करने वाले लोगों ने उतना ही सिखाया जितना शायद उन्होंने मुझसे सीखा, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि, और वो जारी है, जिंदगी भर ही सीखते रहेंगे। मैं कुछ चीजें इतने साल जो जुड़े रहे नाटक से, रंगमंच से, उसमें से कुछ चीजें हैं जो मैं उपलब्धि तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि जो मेरे नजदीक जरूरी और अहम चीजें हैं जिन्हें मैं साझा करना चाहूंगी, हो सकता है किसी काम की निकले। शुरुआत करती हूँ मैं सैमुअल बेकेट की बात से, कि उन्होंने जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने कहा था, क्योंकि वो पहले वक्त में भी थे मौजूद और पहले विश्व युद्ध में भी और दूसरे में भी, उन्होंने कहा था कि मौत इतनी सस्ती हो गई है कि अब महाकाव्य नहीं लिखे जाएंगे। ये बात अपने आप में सही है कि बेवक्त मौत जो है वो ट्रेजेडी की बुनियाद होती है, और उसके चारों तरफ घटनाएं घूमती हैं तो बड़ा नाटक, बड़ा महाकाव्य बनता है। अगर हम हमारे पास जो महाकाव्य है उन पर भी एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि महाभारत जो है वो उस वक्त एक भयंकर मोड़ लेता है जब अभिमन्यु की, निहत्थे 15 बरस 16 बरस के लड़के की, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर ढेर के निहत्थे अभिमन्यु की हत्या करते हैं। वो हमें इस चीज पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि अन्याय किस तरह से होता है। उसी तरह से आज अगर हम देखें तो अगर 15-16 साल के जुनैद की मॉब लिंचिंग होती है तो वो अपने आप में हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन जब ऐसी ही लिंचिंग आम हो जाती है और जब हम उसे जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, जब हम अल्पसंख्यकों से ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे जिंदा रहे कि वो सेकेंड रेट सिटीजन हो जाए, तब कहीं ना कहीं हम उस अभिमन्यु को भी नकार देते हैं जो एक बड़ा मोड़ महाभारत में लेके आया था जिसके मृत्यु। इसलिए मैं नामी उम्मीदियों को नजरअंदाज ना करें, और मैं इसीलिए एक्टिवली इप्टा से जुड़ी थी ये सोचकर, ये समझकर कि इप्टा वो मंच है जो इन हालात को, इस तरह के शोषण को, इस तरह के अन्याय को उजागर करता है। ये बात हमारे लिए कही जाती है कि खुशकिस्मती की है कि हम विश्व युद्ध में शरीक नहीं थे, उस तरह से उस पैमाने पर हमारा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम अपने यहाँ मौत को सदियों से सस्ता करते रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हम जेंडर के खिलाफ खड़े हो जाए, महिलाओं की हत्या हो, चाहे LGBTQ के खिलाफ हमारा रवैया हो, और हम उनको, अभी कुछ दिन पहले हुआ कि हम उनको खुदकुशी पर
आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। ऐसे हालात हमने भी हिंदुस्तान में पैदा किए और मौजूद है, और इब्ता वो मंच मेरे लिए रहा जो इसके खिलाफ आवाज उठाता रहा, हमेशा अन्याय को अन्याय कहता रहा, जुल्म को जुल्म कहता रहा। आप लोग अगर याद करें तो इब्ता की शुरुआत एक तरह से उस अकाल से है, बंगाल के अकाल से, जो मैन मेड था, जो इंसानों ने बनाया था, जो कॉलोनियल रूल की वजह से अंग्रेजों को पूरी पूरा अनाज दे देने की वजह से पैदा हुआ था, और जिसमें लाखों लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी, वहां से इब्ता की शुरुआत है और इब्ता का इतिहास है, और इब्ता हमेशा इसमें पेश पेश रहा है, आगे आगे रहा है। ये मेरे इब्ता से जुड़ने का मुख्य कारण था। असल में अगर हम लोग देखें तो नाटक की तैयारी अपने आप में एक ऐसी ही प्रक्रिया है जो अन्याय को और शोषण को सामने लाती है। कोई भी नाटक नहीं बनता जब तक के उसमें इस तरह की चीज सामने ना ला जाए। वो सोशल्स, जो फैमिली सोशल्स होते हैं जो कमर्शियली किए जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस नाटक की बात कर रही हूँ जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें सोचने की ताकत देता है। और यहीं से बात शुरू होती है कि कितना इब्ता जो है वो ब्रेख्त से उस पर ब्रेख्त का प्रभाव है, और ब्रेख्त के नाटक चाहे खेले जाए या ना खेले जाए, लेकिन उनका जो नरेटिव स्टाइल है वो हमारे लिए एक तरह से बुनियाद है, जिसमें हम वो चीजें उठाते हैं, वो बातें करते हैं, चाहे सामने वही हो रहा हो जो ऑडियंस देखना चाहती है, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब जनता नहीं कबूल कर लिया है, लेकिन इब्ता ने अपने लिए वो रास्ता तय किया जिसमें जो जनता ने कबूल कर लिया है, जो सही मान भी लिया है, उसके खिलाफ भी हमें आवाज उठाते रहना है और हमें उसको दिखाते रहना है जनता को कि आप सोचिए कि ये सही है या गलत है। मैं नाटक की तैयारी में, अभिनेता की तैयारी में तीन चीजें मुख्य रूप से जोड़ती हूँ, जो एक तो शरीर अभिनेता का, दूसरे उसका दिमाग, और तीसरे उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं। अब दो जो हैं, दूसरा और तीसरा, वो क्योंकि शरीर में ही पाया जाता है, इसलिए सबसे पहले अभिनेता की तैयारी की जरूरत होती है कि वो अपने शरीर की तैयारी करे। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, आवाज ठीक रखना भी है, और आवाज का प्रोजेक्शन बढ़ाना भी है, आवाज में कमक पैदा करना भी है, रेजोनेंस पैदा करना भी है, और उसके साथ साथ ये भी है कि शरीर को हमेशा एक तरह से चैलेंज करते रहना है। अगर आपको डांस नहीं आता तो थोड़ा बहुत आपको डांस सीखना है। मैं मिसाल दूं अगर कि मैं एक वर्कशॉप ले रही थी और उसमें मैं मुझे नाटक में जरूरत थी रोप क्लाइंबर की, तो सभी को रोप क्लाइंबिंग करवा रही थी, और जिसने पेड़ से रस्सियां लटकाई थी वो बीच में गांठें डालना भूल गया था, सीधी रस्सी थी, तो लड़के चढ़ तो गए पेड़ पर और उतर रहे थे उसको पकड़ के, तो एक जो था वो बेचारा, उसको हाथ में ज्यादा चोट आई होगी। थोड़ी देर बाद ये बात हो रही थी कि भाई किस्मत का क्या रोल है और किस्मत हमारी जिंदगी में, फेट किस तरह का रोल प्ले करती है, तो वो कहने लगा कि मेरी तो किस्मत है ही नहीं। तो मैंने कहा कैसे, क्या हुआ? प्रभात उसका नाम था, मैंने कहा क्या हुआ प्रभात? देखिए ना, रस्सी उतरने में फेट लाइन चली गई, तो फेट लाइन चली गई तो मेरी तो किस्मत है ही नहीं। तो वो उस तरह की छोटी मोटी चोटें और ये लगेंगी और उससे एक्टर सीखेंगे भी, लेकिन वो शरीर को अपने उससे चैलेंज करते रहे। दूसरी चीज जो है कि दिमाग को तैयार करना है। मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि हम लोग जिस तरह से रिहर्सल्स के दौरान 15 मिनट का एक वार्म अप, 15-20 मिनट का करते हैं बाकायदा रिहर्सल शुरू होने से पहले, उसी तरह से 10 मिनट का, या अगर कम चाहें तो कम, करेंट अफेयर्स पे जो भी खबर आ रही है उस पर एक
बातचीत होना, डिस्कशन होना जरूरी है। ये डिस्कशन दो वजह से जरूरी है। एक तो ये इस वजह से कि हमें अवेयरनेस रखनी है, अपने चारों तरफ आसपास क्या क्या हो रहा है वो जानना है, और दूसरे एक और चीज जरूरी है, इप्टा की एक आइडियोलॉजी है, इप्टा का चीजों को देखने का एक नजरिया है। वो नजरिया हर कोई सीख कर समझ कर नहीं आता हमारे पास। इप्टा का अक्सर नाम सुन करके लोग आ जाते हैं कि भाई बड़ी संस्था है, हर जगह भारत में मौजूद है, तो यहाँ बहुत ज्यादा काम होता होगा, होता भी है, तो ये वो समझ के आते हैं, लेकिन उनका नजरिया हमारी तरह मार्क्सिस्ट नजरिया हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये एक्सरसाइज जो है कि हम करेंट अफेयर्स पे हम जो वाकयात हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, उनको हम किस नजरिए से देख रहे हैं ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि हम सीधे ही जो नया पहली बार या दूसरी बार आ रहा है उसको मार्क्सिज्म पढ़ाना शुरू नहीं कर सकते। तब तो वो कहेगा कि मुझे मार्क्सिज्म अगर पढ़ना होता तो मैं पार्टी स्कूल में ही जाता, मैं क्यों यहाँ आया हूँ। तो इसलिए जाहिर है कि उसको उसी रिहर्सल का एक हिस्सा मान करके उस चीज को हमें करना है, और उसको बहस का, बातचीत का एक जमीन तैयार करनी है, बुनियाद बनानी है। तो बुनियाद बनानी इसलिए भी जरूरी है कि नाटक जो आप खेलते रहेंगे, जो आप करते रहेंगे, वो उसी तरफ ले जाएंगे, और तभी मतभेद पैदा होंगे कि वो लोग छोड़ करके चले जाएंगे जो सोचेंगे कि हमारी विचारधारा ये नहीं है। मार्क्सिज्म को इतना ज्यादा गलत परिभाषित किया गया है, इस तरह से उसको रखा गया है कि ज्यादातर लोग तो मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म सुन करके ही खौफ खा जाते हैं, बगैर ये जानने समझे कि सोशलिज्म मार्क्सिज्म कम्युनिज्म है क्या। इसलिए ये जरूरी है कि उनके साथ बातचीत हो आज के मुद्दों पर जिनको वो समझ रहे हैं, और उस पर हमारा नजरिया क्या है। इस पर बहस होनी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। एक चीज जो बार बार कही जाती है, मैं समझती हूँ कि ये कुछ हद तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की देन है, ये डायरेक्टर जो कह रहा है वो 100% सही है और उसको माना जाना चाहिए। मैं इस चीज को सही नहीं समझती मेरे ख्याल से, और इप्टा में ऐसा नहीं होता है, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हेल्दी बात है कि बातचीत हो, बहस हो। जो एक्टर्स आपके पास आ रहे हैं वो भी कोई ऐसे नासमझ नहीं है कि उनको मालूम नहीं है या वो समझ सकते नहीं है। अगर वो एक दूसरा विचार रख रहे हैं तो उस पर जरूर बहस होनी चाहिए, जरूर बातचीत होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे मतभेद जो है वो बातचीत से मिट ही जाए, तो फिर हम दूसरी क्या लें, करके दिखाओ। ये मेरे ख्याल से एक जरूरी चीज है जो एक डायरेक्टर को देना चाहिए, ये स्पेस एक एक्टर को कि ठीक है तुम जिस तरह से अलग सोच रहे हो उस तरह से हम करके देखते हैं, और देखते हैं कि वो कैसा मालूम होता है, और उसमें जो दूसरे को एक्टर्स हैं उसके वो भी साथ में हैं और वो भी देखेंगे, और फिर एक एक हेल्दी बहस हो कि दोनों में से क्या अच्छा था। उसमें अगर एक कदम डायरेक्टर को पीछे हटना पड़ता है तो कोई मजाक नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। प्ले अच्छा हो, प्ले बेहतर होना चाहिए। उसमें अगर एक एक्टर बेहतर एक सुझाव लेकर के आता है तो उस सुझाव को जरूर जगह मिलनी चाहिए। ये बहुत मुमकिन है कि स्क्रिप्ट कई बार पढ़ने के बावजूद डायरेक्टर ने उस मुद्दे पर उस नजरिए से ना सोचा हो, तो अगर एक एक्टर ने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको मेरे ख्याल से वेलकम किया जाना चाहिए। वैसे भी थिएटर जो है मेरी नजर में इज अ कंपोजिट आर्ट, उसमें सारे लोग जो है शामिल है वो तो है ही, उसके साथ साथ म्यूजिक, डांस, बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीजें भी शामिल है, और नाटक मेरे ख्याल से वही कामयाब होता है जो फुटबॉल मैच की तरह खेला जाता है। फुटबॉल मैच वो टीम नहीं जीतती जिसमें ज्यादा अच्छा गोल, अच्छे गोल करने वाले हो या ज्यादा अच्छा गोलकीपर हो, फुटबॉल मैच वो टीम जीतती है जिसमें पास ज्यादा किया जाता है। इसलिए एक्टर्स इस चीज का ख्याल रखें कि वो अकेले नहीं है मंच पर, दूसरे एक्टर्स भी हैं, अगर वो खराब एक्टिंग कर रहे हैं तो इनकी अपनी एक्टिंग का स्तर भी गिर रहा है, तो इसलिए जो एक्टर नहीं तैयार हो पा रहा है ठीक से,
जो जिसको एक दो ही लाइंस है वो अच्छी नहीं बोल पा रहा, शायद इसी वजह से कि उसको दो तीन ही लाइंस मिली, उसको उत्साह देना, उसके साथ ये कोशिश करना कि वो बेहतर कर सके, ये मेरे ख्याल से पूरी टीम की जिम्मेदारी है, डायरेक्टर की तो है ही। उसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी जगह मेरा थिएटर, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कंपोजिट आर्ट है और टोटल थिएटर की बात होती है, तो ये अपने आप में होता है कि कई बार ऐसे लोगों को गाना गाना पड़ता है जो सिंगर्स नहीं है, ऐसे लोगों को डांस करना पड़ता है जो बेताले हैं। अब अगर अकेले कोई कथक की परफॉर्मेंस कर रहा है और बेताला सम पर नहीं आता है तो ये उस डांसर की कमी मानी जाती है। अगर स्टेज पर ऐसा हो रहा है और कोई डांसर रिदम छोड़ देता है या बेताला हो जाता है तो फिर ये पूरे प्ले पर एक रिफ्लेक्शन होता है, ये पूरे प्ले को नीचे गिराता है। इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी एक हल्का सा भी कमजोर पड़ रहा है उसको साथ लिया जाए और उसको एक साथ मिल करके कोशिश की जाए कि वो उस स्तर तक आ सके जिस स्तर पर हम चाहते हैं कि पूरा पहुंचे। ब्रेख्त की जब बात उठी है तो मैं उनके नरेटिव स्टाइल की, जो मेरा अपना स्टाइल भी है, बात करना चाहूंगी कि नरेटिव स्टाइल का अपने आप में मतलब क्या है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक सीन चल रहा है, वो सीन जब खत्म होता है तो गाना गाना या उस एक्टर के अपने किरदार से बाहर आ जाना और फिर ऑडियंस से सीधे मुखातिब होना ही ब्रेखत स्टाइल है, नरेटिव स्टाइल है। ऐसा नहीं है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये बात है कि ब्रेख्त ने इस बात को कहा और हम लोग आज मानते हैं, क्या खास करके मानता है कि एपिक थिएटर जो है, एपिक वो आम लोगों का एपिक थिएटर होगा। एपिक क्यों सिर्फ राजाओं का हो? आप अगर नजर घुमा के देखें तो चाहे ओडिसी है, चाहे इलियड है, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, जो भी है वो राजाओं के, महाराजाओं के बारे में, नवाबों के बारे में, उन लोगों के बारे में लिखा जा रहा है और एपिक थिएटर उसको ही कहा जाता है। क्यों? हम लोग हैं, हम हमेशा रहेंगे इस धरती पे, राजा आएंगे, महाराज आएंगे, जाएंगे, गिराए जाएंगे, उनके बेटे ही उनके खिलाफ बगावत करेंगे, हम बने रहेंगे यहाँ पे जो आवाम है। इसलिए थिएटर हमारी बात करेगा, एपिक थिएटर हमारे बारे में होगा। ये तो एक हिस्सा है नैरेटिव का कि आप थिएटर को अपना समझ के, अपनी बात कहने वाली चीज समझ करके करेंगे। और दूसरी ये कि एक्टर हमेशा ये अवेयर रहेगा कि वो एक्टर है, वो कभी भी अगर ओथेलो का रोल कर रहा है तो वो ओथेलो नहीं हो जाएगा, वो इतना नहीं डूब जाएगा कि वो अपने आप को ओथेलो समझ ले। अगर इतना डूब जाएगा तब तो उसको डिज़्डेमोना को मार देना पड़ेगा और साथ ही यागो को भी, और फिर उसके बाद खुद भी तलवार उठा करके अपने आप को मार लेना होगा। इतना नहीं डूबेगा वो ये बताएगा कि ओथेलो जैसा किरदार हुआ है, ओथेलो की जो तकलीफ है, ओथेलो का जो पेन है, ओथेलो जिस समाज में जी रहा है, ब्लैक्स के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, दलित के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार देखो मैं तुम्हें ऑडियंस जो हो समझा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, और उससे ऑडियंस समझेगी और आइडेंटिफाई करेगी। ओथेलो के साथ शायद ना करें क्योंकि ओथेलो बिल्कुल एक ब्लैक कम्युनिटी का है और कहीं वेनिस में ये नाटक खेला जा रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि वो ना आइडेंटिफाई करे। किरदार से बाहर रह करके एक्टर ये समझाएगा कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम अन्याय सहते हो, तुम तुम्हारे साथ जुल्म होता है, हमें जुल्म जो होता आया है, जुल्म जो होता रहेगा जब तक कि तुम उसको बदलने ना रखो। हेंस तीन थिएटर्स। थिएटर आपको मेस्मराइज नहीं करेगा, आप पर एक जादू जैसा नहीं करेगा, आपको अंधेरा करके पूरा और एक जगह पे लाइट फोकस करके इस तरह से कि ऑडियंस इधर उधर देख भी ना पाए, सिर्फ उस पे कॉन्सेंट्रेटेड रखे और एक जादू सा थिएटर आप पे कायम कर दे, वो नहीं होगा। जो ऑडियंस आएगी वो सिगरेट भी पी सकेगी, इसलिए उन थिएटर्स को स्मोकिंग थिएटर्स का नाम दिया ब्रेख्त ने, कि ऑडियंस पूरे अपने होश और हवास में रहेगी और जो एक्टर दिखा रहा है, जो डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है, उस चीज को एडजस्ट करेगी, उस पर सवाल उठाएगी और सोचती हुई ऑडिटोरियम से बाहर जाएगी। उसका सोचना
सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसका इन्फ्लुएंस्ड होना नहीं। ऐसा नहीं है कि वो इतना प्रभावित हो गई, अरे वाह क्या मैंने नाटक देखा, मैं तो बस अभिभूत हूँ। वो सोचते हुए जाएगी ओथेलो के साथ इस तरह से क्यों हुआ, क्या कोई और रास्ता था, क्या कुछ और हो सकता था, क्या कुछ और मुमकिन था, क्या समाज अगर अलग तरह का होता तो नतीजा कुछ और निकलता। इस चीज को अगर सोचते हुए ऑडियंस जाएगी तो ये नाटक की कामयाबी है। और मुझे बहुत फख्र है इस बात पर कि इप्टा हमेशा इस चीज की कोशिश करता है। इसीलिए किसी भी तरह के स्पेस में नाटक इप्टा खेल पाता है। सेट हो बहुत अच्छी बात है, सेट नहीं है ठीक है, मेकअप मौजूद है ठीक वेरी गुड, नहीं मेकअप मौजूद है तो भी ठीक है, कॉस्ट्यूम बॉक्स खो गया कोई बात नहीं, नाटक चलेगा और नाटक अपनी बात कहेगा। ये जो बात बुनियाद में है इप्टा की, ये बात हमें लोगों से सीधा जोड़ती है और तभी हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनको ये समझा सकते हैं कि देखो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं और तुम्हारी बात में तुम जिस तरह से सोच रहे हो उसमें ये खामियां हैं, ये कमियां हैं और तुम्हें इस दिशा में तुम्हारे लिए सोचना जरूरी है, सोच के देखो, देखो तो क्या नतीजे निकलते। और इसकी पूरी जो प्रतिक्रिया है वो एक्टर से शुरू होगी। इसलिए एक्टर जब प्रिपेयर करता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास हिस्टोरिकल अवेयरनेस भी हो कि वो किस तरह का नाटक कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो हिस्टोरिकल प्ले हो, लेकिन वो जिस वक्त का भी प्ले कर रहा है उस वक्त के बारे में वो जाने, आज के बारे में अगर है तो आज के बारे में पूरी खबर रखे, जानकारी रखे। और मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि जितनी बार भी मैंने नाटक किया मेरे एक्टर्स ने मुझसे ज्यादा छानबीन की, इंटरनेट पे जाके किताबों से देख के उसके फोटोग्राफ्स लेकर के, ये उनकी तैयारी का हिस्सा है, उनके कमिटमेंट का हिस्सा है कि वो थिएटर से और इस सोच से कि एक्टर को सिर्फ लाइनें याद करके उगल नहीं देनी है, एक्टर को लाइनों को समझना है, एक्टर को पूरे माहौल को समझना है, एक्टर को जो दूसरे एक्टर्स बोल रहे हैं उस बात को समझना है, और इसके लिए जो कुछ भी तैयारी करनी है वो उनको करनी जरूरी है। एक बात मैं करना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग आवाज की तैयारी है उसी तरह से मेरे ख्याल से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए फेशियल एक्सप्रेशन की तैयारी करने की। अक्सर ये होता है हम ये मान लेते हैं कि भावनाएं तो इंसान दिखाता ही है अपने चेहरे से, तो वो अगर फिर एक्टिंग कर रहा है रंगमंच पे है तो भी वो दिखा पाएगा। इसकी मेरे ख्याल से बेहतरीन मिसाल जो है वो कथकली में मौजूद है कि कैसे आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के लिए फेशियल मसल्स का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे बड़ी ऑडियंस के सामने। एक चीज जो ज्यादातर क्योंकि उम्र बड़ी हो जाने का 18-19 साल के हो जाने के बाद लोग थिएटर में आते हैं हिंदुस्तान में, कम से कम हम यही देख रहे हैं, मेरे पास कम से कम ऐसा ही हुआ, तो कुछ हद तक उनकी एक फेशियल एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है। पहला प्रोसेस मेरे ख्याल से होना चाहिए क्लीनिंग द कैनवस। फेस को अगर हम एक्टर का कैनवस मानते हैं तो सबसे पहले फेस पे कोई पहले से दाग ना हो, ऐसे करके बात ना करें, कोई और फालतू का ये उसके चेहरे पर उतार चढ़ाव ना हो, उसका एक प्रोसेस लेकर के उसको साफ करें ताकि वो कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है जब वो ले रहा है तो जैसे वो कॉस्ट्यूम पहनेगा वैसे ही उस किरदार को भी उस पात्र को भी वो पहनेगा। वो कैनवस साफ हो जाए तो आप देखेंगे कि कल वेदा जिस तरह से बात कर रही थी कि हमें अलग अलग लफ्जों पे स्ट्रेस दे करके बात के मानी बदल सकती हूँ, उसी तरह से फेशियल एक्सप्रेशन अगर बदल जाए तो अलग अलग तरह से माने बदल जाते हैं। जैसे कि कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, तो एक्सप्रेशन के साथ वही तीन लफ्ज जो है उसके मतलब बदल जाते हैं। वो एक्सप्रेशन हम तभी पहन या ओढ़ सकते हैं जब हमारा पहले से चेहरा जो है वो क्लीन हो, एक्सप्रेशंस हमने अपने ऊपर हावी ना किए हो। उन
डायरेक्टर्स से, उनको एक्टर्स से बराए मेहरबानी दूर रहिए जो आपको ये कहते हैं, अरे अमिताभ बच्चन की तरह करो ना ये सीन, अरे ये लाइन इस तरह से बोलो ना जैसे वो शशि कपूर ने फलानी फिल्म में बोली थी। जो आपको नकल की तरफ ले जा रहे हैं वो आपके असली अंदर बसने वाले एक्टर को मार रहे हैं। तो उससे हम बच के रहें, उससे थोड़ा सा दूर रहें, आप खुद बने रहें, आप नरेट कर रहे हैं। वर्षा एक कहानी सुना रही है एक ऐसी लड़की की जो लेस्बियन है, तो वो वर्षा सुना रही है, वर्षा खुद वो लड़की हो नहीं गई है, इसलिए कैनवस साफ रहे ताकि वो उस किरदार का जो एक्सप्रेशन है वो ओढ़ सके। बातें बहुत सारी और हैं, भाषा पर जरूर काम करने की जरूरत है। और भाषा पर, भाषा वक्त के साथ साथ मैं देख रही हूँ, मेरे बचपन में जिस तरह की मैं हिंदी भी सुनती थी अमृतलाल नागर और अमृत राय जी से और यशपाल जी से, और उर्दू भी जैसी सुनती थी, वो दोनों सुनने को नहीं मिल रही। और ये मेरे ख्याल से स्कूलिंग की कुछ हद तक कमी है कि हम लोगों को जिस तरह से कविता याद करवाई जाती थी या रैपिड रीडिंग करवाई जाती थी वो अब नहीं करवाई जानी बंद कर दी गई है। उसको मेरे ख्याल से जिंदा करने की जरूरत है। कविता पढ़ते रहना, जानना बहुत जरूरी है। ये मैं जानती हूँ कि कविता लोग कहेंगे कि हो सकता है मेरा किरदार तो कभी नहीं शेर पढ़ता या कभी नहीं कविता सुनाता, तो फिर मुझे क्यों जरूरत है कि मैं कविता समझूं शेर जानूं। वो आपके पूरे